हेलो स्टूडेंट आई एम संदीप कुमार सेन असिस्टेंट प्रोफेसर भारतीय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग आज हम सब्जेक्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप के बारे में फर्स्ट टॉपिक इस बनाना कल्टीवेशन, जिसका बॉड निकलने में मूसा पैरिशिया का फैमिली है म्यूजेसी इसमें डिफरेंट टाइप की वैरायटी है लाइक like, पुआ पुवन रोबुस्टा ग्रैंड नाइन रास्थली विरूपाक्षी एंड नरेंद्र अगला है क्लाइमेट ब्राना एक ट्रॉपिकल क्रॉप है जिसके लिए वेल well टेम्परेचर की जरूरत होती है टेन टू ट्वेंटी फोर सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और इसे एनअल रेनफॉल हंड्रेड एम mm, एम एनअल रेनफॉल पर मंथ बराना कल्टिवेशन के लिए स्लाइटली और एल्क्लाइन सॉइल की आवश्यकता होती है वैसे डिफरेंट टाइप के रीजन और डिफरेंट टाइप के सॉइल में भी ग्रो किया जाता है बट ये मोस्टली स्लाइटली एंड एल्कलाइन सॉइल में इसका ग्रोइंग किया जाता है उसके लिए वेल ड्रेनेज सॉयल का भी होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए पी एच किया जाता है सिक्स टू एट पी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगला पॉइंट है प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन बनाना को टू टाइप से प्रोपोगेशन किया जाता है वाटर सकरस एंड शॉट सकर वाटर सकर वो होते हैं जिसके ब्रॉड स्यूडो स्टेम लाइक लीप होते हैं बट ये हेल्दी नहीं होती इसलिए इसका यूज़ ज़्यादातर नहीं किया जाता है सबसे ज़्यादा यूज शॉट सकर्स का यूज़ किया जाता है ये स्ट्रॉन्ग लार्ज बेस ग्रेजुअली टेपरिंग और सिलेंडर पॉइंट विथ वन टू टू नैरो शॉर्ट लाइक लिफ्स होते हैं और ये इसमें विगरेस्ट क्वालिटी भी बहुत अधिक होती है इसलिए प्रोपोगेशन के लिए शॉर्ट सकर का यूज़ किया बनाना के लाइन प्रिपरेशन के लिए हम उसके पिट साइज के अनुसार लाइन प्रिपरेशन करते हैं पिट साइज का जो साइज़ है फोर्टी फाइव सेंटीमीटर इंटू फोर्टी फाइव सेंटीमीटर इंटू फोर्टी फाइव सेंटीमीटर के रिक्वायर होती है जिसके लिए पाँच से दस के जी एफ आई एम दो के जी वुड एस और दो सौ ग्राम सुपर फास्फेट की आवश्यकता होती है प्लांटिंग और स्पेशन के लिए मैनली बनाना को जून जुलाई में प्लांटिंग किया जाता है और इसका जो वैरायटी है पुवन उसके लिए 2.1 पॉइंट वन इंटू टू का रेशियो और उबिस्टा के लिए 1.8 पॉइंट एट का रेशियो रखा जाता है इरिगेशन इसको बनाना को सात से दस दिन के अंतराल में निश्चित इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है बनाना में मैनली कल्चर ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जिसमें फैला पॉइंट है डीशाकर इसमें जो एक्स्ट्रा सकर्स होते हैं उसको जो राइजोम होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है अगला है बंश को कवरिंग सनलाइट जब फ्रूटिंग हो जाती है तो सनलाइट की इफेक्ट से बचाने के लिए बंश को कवर करके रखा जाता है अगला पॉइंट है प्रॉपिंग जब प्लांट में फ्रूट लग जाते हैं तो प्लांट बहुत हैवी हो जाता है जिससे वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है तो उसको बचाने के लिए प्रॉपिंग किया जाता है टेपिंग इसमें मेल uh, बर्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है वीडिंग अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव रिमूव किया जाता है उसको वीडिंग कहते हैं इंटरक्रॉपिंग इंसेक्ट बनाना फील्ड में निम्न प्रकार के इंसेक्ट लगते हैं फर्स्ट है राइजोम भीमिल ये प्लांट के कॉर्म कॉर्म पोर्शन में अटैक करते हैं और उसको खाद फीड कर लेते हैं इसके कंट्रोल के लिए हम क्लोरोफास्ट ट्वेंटी सी का उपयोग करते हैं तथा तो सॉइल एप्लीकेशन कार्बोफ्यूरान के द्वारा किया जाता है अगला श्यूडो स्टेम्बोर ये प्लांट के स्टेम में अटैक करते हैं जब बंश फॉर्मेशन का स्टेज होता है तभी इसके लिए हम क्लो, क्लोरोफायरिफास ट्वेंटी सी का यूज कर सकते हैं कंट्रोल के लिए अगला है लीफ कट ईटिंग कैटर जो लीफ को कट करते हैं एंड ये, ये भी कॉर्म पोर्शन में अटैक डिसीज फर्स्ट है सिगटो का लीफ स्पॉट यह माइको माइक्रोस्पेरे स्पीसीज के फंगस के कारण होता है इसमें अपर सरफेस में इसका येलो कलर या ब्राउन कलर के स्पॉट नजर आते हैं जिसका कंट्रोल के लिए हम कार्बेंडाजिम या प्रोपी कोनाजोल का स्प्रे करते हैं अगला पॉइंट है पनामा वर्ल्ड यह फुजेरियम ऑक्सीज फोरम फंगस के कारण होता है ये है येलो टाइप के भी इसमें भी स्पॉट्स नजर आते हैं ओल्डेस्ट उल, उल, लोअर लीफ में इसके कंट्रोल के लिए फंगी साइड का स्प्रे किया जाता है अगला है बनाना मोजा वायरस ये वायरस के कारण होता है फंगी साइड स्प्रे किया जाता है डिसीज फर्स्ट है सिगटो का लीफ स्पॉट यह माइको बनाना के हार्वेस्टिंग के लिए जब उसका टॉप के लीव ड्राई या सूखना स्टार्ट हो जाते हैं तब हम तब हम बनाना को हार्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं या जब फ्रूट का कलर डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन होना स्टार्ट हो जाता है अब हम बनाने की हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और इसका इल्ड है इंडियन कंडीशन में फोर्टीन 14...